जी चलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोग को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबादी। ये क्रिस्टल टॉन के जो लास्ट वीक हुआ था उस बारे में है। मैं नहीं था, उमरा गया हुआ था, तो इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सका। बेसिकली स्टेटमेंट ये देना है कि हम लोग जो है 150 और 200 गज पे प्लॉटिंग करे थे, और बाबा एग्रीमेंट में मेंशन था कि सेटबैक्स छोड़ना। नॉर्म्स के मुताबिक जो है ना, हम सिर्फ प्लॉट्स बेचे, हम घर बना के नहीं बेचे। तो जो भी घर बना रहे हैं, सेटबैक्स छोड़ना, नॉर्म्स के मुताबिक परमिशन लेके वहाँ पे तामीर करना, ये हमारे एग्रीमेंट में मेंशन है। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े लोग, हर कोई नहीं, थोड़ा बहुत सारे लोग तो चार चार पांच पांच प्लॉट्स खरीदे, जो जिसके 500 600 गज 400 गज हो रहे, वो लोग अपने नॉर्म्स के मुताबिक बनाए सो है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, 200 गज लेके अगर पांच पांच फ्लोर अगर बिल्डिंग बना दे रहे हैं, छः छः फ्लोर मार ले रहे हैं, तो शहर में चाहे कहीं कोई भी इलाका हो, तो जीएचएमसी तो रिएक्ट करेंगी। हम जो है प्लॉटिंग के बाद में एसोसिएशन बना के एसोसिएशन के हैंड ओवर कर दिए वेंचर को, ताकि वो लोग जो है ना सारा सेटबैक्स का, नॉर्म्स का सब टेक केयर करना बोल के। उसके बावजूद भी जो है ना कुछ लोग जो है ना बात नहीं मान के, जो है बगैर सेटबैक्स छोड़ के, बगैर परमिशन के बनाए, तो उनके ऊपर जीएचएमसी एक्शन ली। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइड इंडिया की वजह से टूटा हो। प्राइड इंडिया सिर्फ प्लॉट्स बेची, बाजाबता लेआउट जो है ना नाम्स के मुताबिक 60 80 फीट 40 फीट रोड्स है, और एलआरएस में जो है ना ऑलरेडी हम पैसा भी भर दिए सो है। तो लेआउट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी तामीर कर रहे हैं वो परमिशन लेके बनाना, मैं बार बार बोल रहा था। और इसके अलावा आज से एक 6 8 महीने पहले हम परमिशन निकाले घर का, ये हाउस परमिशन है, और सबको इंटीमेट करे कि इस मुताबिक आप लोग हाउस परमिशन लीजिए। अगर आप लोग जीएचएमसी जाके अगर नहीं ले सकते हैं, उतना कार्रवाई नहीं करते, तो ऑफिस पे आइए, प्राइड इंडिया के ऑफिस में आके एप्लीकेशन दीजिए, हम लोग आपके घर का परमिशन का प्रोसेस करेंगे। उसके बावजूद भी कोई भी नहीं करे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब इंटीमेट कर रहा हूँ, अभी भी जिसको भी नई तामीर करना है, आप जो है ना परमिशन को अप्लाई करिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं करते तो हमारे थ्रू करिए, हम आपको परमिशन की जो है ना सारी कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, जो बिल्डिंग्स बन चुके हैं वो भी जो है ना एलआरएस, अपना बीआरएस, बीआरएस में जो है ना एप्लीकेशन डालिए। उसके थ्रू भी हम जो है ना इससे पहले प्रोसेस करे थे, ये बीआरएस का है। बीआरएस के अंडर में अगर आप लोगों को नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, या फिर आप लोग करना नहीं चाह रहे हैं, तो हमारे ऑफिस के थ्रू करिए, हम इसका प्रोसेस करेंगे। क्योंकि क्रिस्टल टाउन इतना खूबसूरत महल्ला है, महल्ला के आपको सारा खानदान है, वो सब मिलजुल के रहते हैं वहाँ पे। और हैदराबाद की बहुत खूबसूरत मस्जिद भी बन रही, अल्हम्दुलिल्लाह 80% बन गई, 20% जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा महल्ला पुराने शहर में नहीं है, तो उसको ज़रा नज़र से बचाइए, और एक जहत रह के सब, हम भी आपके साथ में। ऐसा नहीं कि हम प्लॉट बेच दिए, अब आप जो करना है करो, हम लगातार जो है ना आपकी मदद के लिए जो है ना परमिशंस में हर चीज़ में प्रोसेस कर रहे हैं। और जहाँ तक के लीगल इश्यूज है, लीगल लास्ट ईयर हम केस जीत गए थे, जिसका सेलिब्रेशन भी करे थे क्रिस्टल टाउन में। लीगल कोई इश्यूज नहीं है, अगर किसी को कुछ है भी, कोई क्लेम भी है, तो हम यहाँ पर बैठे हुए, हम हर किसी से बात करके अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सेटल करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि यानी हर वक्त हम जो है ना कस्टमर्स के साथ है। चलो, बार बार प्राइड इंडिया का नाम भी पूछ रहा है। अब इसके लिए तो यही बोल सकता हूँ मैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत, सुने ना आप, शेर सुने ना, फानूस नहीं, बन के आईटी की जिसकी रेड भी हो जाती है, हिफाजत हवा अक्सर करे। आईटी की रेड भी हो जाती है, और सुनने में भी आ रहा आप यहाँ से पूरा वाइंड अप करके दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। ठीक अचार में है, जाओ, मैं खुद आज से अकेले नहीं, जाओ आज यहाँ से पे। नहीं, हम जो है ना 15 साल से कर रहे हैं, और ये एलिगेशन जब भी लगे हैं और जब भी है, मैं स्टेटमेंट दिया जो भी हाल हकीकत है।
जहाँ तक दुबई की बात है, मैं पिछले 2011 से मेरा आना जाना है वहाँ पे, मेरा कारोबार है, होटल का कारोबार है, सुपरमार्केट का कारोबार है। तो अगर कहीं तिजारत करना कहीं जुर्म है, कहीं लिखा हुआ है कि आप मेहनत करो, मेहनत से पैसा कमाओ, वो है हराम का पैसा कमाना, हराम है। तिजारत पर्टिकुलरली करना तो हराम नहीं है ना। खास तौर पे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ से टोटली शिफ्ट हो गए, चले गए, ऐसा बोल रहे थे लोग, वही बोलना चाहते ये देखिए भाई, हर किसी को हक है कहीं भी शिफ्ट होने का या कहीं भी जाने का। अगर अगर सूटेबल कहीं समझे तो कहीं भी जाके रह सकते, सोमालिया में भी जाके रह अभी ये सकते। वेंचर्स में टाइम पर लेकिन मैं मेरा जो है, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है जहाँ पे पैसा लोग रखते हैं, हर महीना मैं उनको प्रॉफिट देता हूँ, बल्कि ये रियल इस्टेट कंपनी है। तो मेरे को छोड़ के जाना या भागने की क्या जरूरत है? अच्छा, आने वाले वक्त में कोई वेंचर करेंगे पापा जी? आने वाले वर्ष में चल रही बातचीत, एक नया वेंचर लॉन्च हो रहा था जीएसटी की तरफ से, हमारे एजेंट मेंशन है कि भाई परमिशन लेके बनाओ और सेटबैक्स मेंटेन करो। अगर उसके बावजूद फ्लोर के अगर बिल्डिंग 200 गज पे मारते हैं तो जीएचएमसी से पहले हम ऑब्जेक्शन करेंगे। अब हम आके जो है ना ये चीज पे निगरानी रखेंगे, हमारे जो है ना कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स रोज राउंड मारेंगे, अगर कोई सेटबैक्स नहीं छोड़ के बना रहे तो पहले तो हम ऑब्जेक्शन करेंगे, उसके बाद जीएचएमसी इन्वॉल्व हो। लेकिन हम उसका तरीका भी निकाले कि भाई परमिशन आप लेइए, बाजाब्ता आपको परमिशन मिल रहा, यहाँ पर है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये परमिशन हम निकाले G+2 का, इस मुताबिक आप लोग प्रोसेस करिए। अगर आप लोग को कुछ गाइडेंस चाहिए तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एनी टाइम आप लोग आ सकते हैं। जो बिल्डिंग्स बन गए इसका क्या करेंगे? भाई बिल्डिंग्स जो बन गए, जो परमिशन नहीं लेके बनाए, वो उनके लिए एक ही स्कीम है, वो है BRS, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम। उसके तहत जब भी स्कीम खुलेंगी आप लोग अप्लाई कर लेना। लेकिन नए तामीरात जो भी है आप लोग परमिशन लेके बनाओ, बल्कि हम हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है। अगर उनको नहीं करने आ रहा, परमिशन लेने की कार्रवाई करने का नहीं आ रहा, तो आप करेंगे उनकी मदद? उनको गाइड हम करेंगे। ठीक है।